फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और चलिए, मैं आज आपको आपके साथ में अपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स में शेयर करने जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ। और ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है किस ब्यूटी का। ये मेरा कॉन्टोर पैलेट है और ये मेरा कलर करेक्टर प्लस कॉन्टोर पैलेट है। आप इसको बहुत तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं या मल्टीपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके जो कलर शेड्स हैं, इसके जो कलर शेड्स हैं, ये मुझे 5 कलर शेड में मिल जाता है विद मिरर। और मुझे साथ में इसके एक ब्रश भी मिलता है, और जो कि ये काफ़ी सुंदर पैकेजिंग में हमें मिलता है। और ये बहुत ही आई कैची भी है, और ये रियली बहुत ही क्यूट सा है, और ये काफ़ी अच्छा है। इवन मुझे तो ये बहुत पसंद आया, मैं इसको यूज़ भी करती हूँ। और मैंने इसको अमेजोन से लिया था कुछ टाइम पहले, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये पहले फ्रेंड्स 355 कुछ का था, बट मुझे ये थोड़ा इसमें डिस्काउंट मिला, तो ये मुझे आई थिंक 286 का मुझे ये पड़ गया था। तो अभी आप इसको चेक कर लीजिएगा, और ये रियली बहुत ही अच्छा है। और ये आपको आप कलर करेक्टर भी के तरीके से भी, और आप इसको एज अ कॉन्टोर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 5 कलर्स में अवेलेबल है, और ये कलर्स बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छे कलर्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। चलिए मैं आपको अपना सेकेंड मेकअप प्रोडक्ट दिखाती हूँ, और ये मल्टी बेक्ड हाइलाइटर है जो कि किस ब्यूटी का है। और ये देखिए, ये मुझे ऐसे 4 शेड्स में मिल जाता है, और ये शेड्स जो है हाईली पिगमेंटेड है, और मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। और फ्रेंड्स, ये मुझे तो बहुत पसंद है, और आप इसको मतलब परचेज़ कर सकते हैं, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और जो इसका प्राइस है वो आपका 360 है। तो ये बहुत ही अच्छा है, हाईली पिगमेंटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये मतलब इतना अच्छी फिनिशिंग है इसकी, ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, और आप इसको ज़रूर से चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अपना थर्ड प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके कलर्स ये कितने अच्छे शेड्स में हैं, और आपको इसको 3 इसमें आपको शेड्स मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको अपना ये देखिए, ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट है जिसको मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरा फेसेस का ये ब्लश है, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं इसको भी यूज़ करती हूँ। और ये इसका बहुत ही हाईली पिगमेंटेड है, और ये बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है, इसका जो पिंकिश इसका शेड है, और ये काफ़ी सुंदर है। इसका लिंक मैं आपको देने की कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में। आई थिंक इसका लिंक मैं आपको शेयर करने में सक्सेसफुल रहूँगी, बिकॉज़ ये मैंने बहुत पहले परचेज़ किया था। और अगर आपको मतलब इसको ख़रीदना है, तो मैं कोशिश करूँगी इसका लिंक देने की। मेरा फोर्थ प्रोडक्ट है, और ये SFR का मेरा ब्लशर है, और ये मुझे अगेन मेरे पास एक्चुअली 2 ब्लशर्स हैं जो मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ, और एक ये मैंने न्यू पैलेट अभी मैंने मंगाया है। और इसमें आपको 4 कलर्स मिल जाएंगे, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड है। और इसके साथ में मुझे एक ये ब्रश भी रिसीव होता है, और इसमें तो एक ये आपको मिरर भी मिल जाता है। और इसकी जो पैकेजिंग है वो भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। और इसके जो कलर्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं तो इसको काफ़ी टाइम से, अभी मैंने यूज़ नहीं किया, इसको एक दो बार ही यूज़ किया है, बट ये मुझे तो बहुत सेटिस्फाई करता है। तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मेरे पास अगेन मैंने एक अपना, इससे पहले जो मैंने आपको हाइलाइटर दिखाया था, ये मैंने एक न्यू हाइलाइटर पैलेट ऑर्डर की थी। ये देखिए, ये मार्क्स की मेरी ये न्यू हाइलाइटर पैलेट है। इसमें मुझे आपको 6 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, और जो कि बहुत ही इनकी जो फिनिशिंग्स है, इनकी जो बहुत ही सुंदर जो इनका शिमरी शेड है वो बहुत ही अच्छा है, आप इसको ज़रूर से चेक कर सकते हैं। और ये मुझे तो इतना पसंद आया कि मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ भी कर लिया है, और ये बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं आपको कितने अच्छी कितनी सुंदर पैकेजिंग में।
और कितने अच्छे से आपको ये मिल जाता है, और आप इसको ज़रूर से चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं कोशिश करूँगी, आई थिंक कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूँ। और ये बहुत ही अच्छा है, मेरे पास इस तरह का एक पहले हाइलाइटर मैंने आपको दिखाया, और ये मेरी न्यू पैलेट है जिसको मैंने ऑर्डर किया, मैंने सोचा मैं आपको भी इसको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर है ये फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको अपना नेक्स्ट मेकअप प्रोडक्ट दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मेरा जो बहुत ही फेवरेट, इवन मुझे लगता है कि मोस्टली गर्ल्स का शायद फेवरेट रहता होगा, मेरा जो आई शेडो पैलेट है, मैं आपको अपना आई शेडो पैलेट दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा हुडा ब्यूटी का ये मेरा आई शेडो पैलेट है, और इस ये मुझे 16 कलर ऑप्शन में मिल जाता है। ये देखिए ये मुझे विद मिरर, और मुझे ये 16 इसके ऊपर ऐसे आपको एक शेड मिल जाएगी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये आपको 16 शेड में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और ये इतने सुंदर शेड्स हैं, इतने सुंदर शेड्स हैं, ये हाईली 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 पिगमेंटेड शेड्स हैं, और ये रियली बहुत अच्छा। और इसकी पैकेजिंग देखिए, ये आपको इस तरह की पैकेजिंग में मिल जाएगा, और ये जो शेड्स हैं जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपको मतलब इतना पसंद आएगा ना कि मैं बता नहीं सकती। ये रियली बहुत ही हुडा ब्यूटी का ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे तो बहुत पसंद आया, और आप भी इसको ज़रूर से आप इसको मंगाइए और आप इसको यूज़ करके देखिए, और आपको बहुत ही पसंद आएगा। मैं आपको फ्रेंड्स इस बार मैंने कुछ डिफरेंट लिपस्टिक में कुछ डिफरेंट शेड ट्राई किया है, तो मैंने अभी ये एक मैबलिन का मैंने ये पर्पल शेड में मैंने ये आप देख सकते हैं मैंने ये मंगाया था, और इसका जो प्राइस है आई थिंक मैं मुझे जो ठीक से याद है वो 750 के आसपास था, और ये रियली मतलब इतना अच्छा इसका फिनिश है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैट फिनिश में है, ये देखिए फ्रेंड्स ये मैट फिनिश में है, और इसमें जो ये मैट फिनिश है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप जब इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये भी मैंने इस बार अपने मेकअप प्रोडक्ट में इस कलर को, इस शेड को मैंने ऐड कर लिया है, तो आप भी इसको मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल रहेगा, तो आप इसको वहाँ से चेक कर सकते हो। और ये रियली बहुत नाइस शेड है जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए कितना प्यारा शेड है। सो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। इस बार मैंने फ्लिपकार्ट से एक न्यू निविया का रोल ऑन मैंने लिया है, ये आप देख सकते हैं, और जो इससे पहले भी मैंने एक रोल ऑन यूज़ किया है बट उसका रिज़ल्ट मुझे इतना सो लगा बट इतना अच्छा नहीं था, बट ये जो है ना फ्रेंड्स ये 48 आवर वर्क करता है, और ये रियली बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको यूज़ किया है तो ये मुझे पता है बहुत ही अच्छा है, और इसका प्राइस भी आई थिंक आपको इसका प्राइस 225 है, और ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसका जो ये देखिए इसके जो बॉटल का साइज़ है ना वो भी थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको इसका ये सेंसिटिव है एक्चुअली, इसमें विटामिन्स मिनरल्स है, और 0% ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल फ्री है, और ये काफ़ी अच्छा है, आप इस वाले को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और भी 2-3 आते हैं निविया के जो रोल ऑन होते हैं, बट आप ये वाला यूज़ कीजिए, ये आपको बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। चलिए मैं आपको अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक्चुअली नेक्स्ट मैंने जो मंगाया है ये मैंने हुडा ब्यूटी का, ये मैंने हुडा ब्यूटी का एक ब्लेंडिंग ब्रश है जो मैंने इसको ऑर्डर करके मंगाया था, और ये इसका लिंक मैं कोशिश करूँगी देने की। मैंने एक थोड़ा पहले मंगाया था बट मैंने यूज़ कभी नहीं किया इसको, एक्चुअली ब्रशेस का मेरे पास पहले भी एक बॉक्स है हुडा ब्यूटी का ही है वो, उसका मैं आपको बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो ये देखिए ये फ्रेंड्स ये हुडा ब्यूटी का मेरा ये ब्लेंडिंग ब्रश है, और इवन इसको मैंने यूज़ तो नहीं किया है बट मैंने इसको जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, और ये रियली बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैं इसको आपका अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बताऊँगी कि इसको आप मेरा इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। सो फ्रेंड्स मैंने सोचा है कि मैंने एक प्रोडक्ट और मंगाया है बट मैंने इसको अभी यूज़ नहीं किया है, ये देखिए ये मैक का हेयर एंड बॉडी ग्लिटर है बट मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है। मैंने सोचा कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी तो उसमें मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी कि ये कैसे यूज़ मैंने किया और ये कैसा मुझे लगा, तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं फुल रिव्यू करूँगी।
और मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कि मुझे ये पर्सनली कैसा लगा, बट मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं इसको भी आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने मंगाया था। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।